नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड और देश की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने किया 206 एम्बुलेंस का उद्घाटन। हर व्यक्ति के लिए एक समान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की सीएम की कोशिश। संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला, 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, पीड़क कार्रवाई पर तत्काल रोक, कोर्ट में जमा करना होगा पासपोर्ट, गवाहों से नहीं करेंगे संपर्क। झारखंड के भ्रष्टाचार की कड़ी में किसका विकेट गिरेगा, पंकज मिश्रा के खास करीबी कृष्ण साह से ईडी की पूछताछ, निशिकांत दुबे ने कसा तंज। श्रावणी मेले और कांवरिया पथ में नहीं बिकेगी शराब, महिला कांवरियों को ध्यान में रख लिया गया निर्णय, 31 अगस्त तक रहेगी पाबंदी। झारखंड के कई गांव बरसात में बन जाते हैं टापू, बाहरी दुनिया से कटा संपर्क, मरीजों को बाहर लाना भी मुश्किल। मेरी आंखों को बचा लीजिए, मुझे आपको देखना है, दोनों आंखों से दिव्यांग बच्ची ने इरफान अंसारी से लगाई गुहार। पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा पहुंचे ईडी दफ्तर, पूछताछ शुरू। रांची पुलिस ने 1.5 लाख की लूटकांड का किया खुलासा, 3 आरोपियों को दबोचा। 7 और 8 जुलाई को झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, रहे सावधान। तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10 साल की सजा, 15,000 का जुर्माना। रांची के लोहाडीह में हुई लूटपाट मामले में 4 गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोविंदपुर में गोली मारकर युवक की हत्या। गेरुआ रंग से पटा बाबा धाम, श्रावणी मेले को लेकर देवघर से चल रही कई स्पेशल बसें। डीसी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण, रांची जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में आदिवासियों ने यूसीसी के खिलाफ दिया धरना, कहा इसके लागू हो जाने से हमारे अधिकारों का होगा हनन। बीजेपी के पूर्वोत्तर राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने गुवाहाटी गए बाबूलाल मरांडी, 9 के बाद लेंगे प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज। झारखंड में 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों का 15 अगस्त तक बनेगा जाति प्रमाण पत्र। मिजोरम को 3-2 से पीट कर 13वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड। मानसून अलर्ट पर झारखंड पुलिस जंगलों और बिहड़ों में विशेष सतर्कता, नक्सलियों से लेकर सांप बिच्छू और मच्छर भी देंगे चुनौती। लंबे अंतराल के बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे लालू यादव, स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। भूमिया बेरमो को जिला बनाने की मांग पर 36 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन, लंबोदर महतो ने भरी हुंकार। झारखंड के 2 गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू हुए एक साथ, पुलिस के हाथ लगे पुख्ता सबूत। पाकिस्तानी परमाणु बम से ज्यादा घातक बांग्लादेशी मानव बम, बोले बीजेपी नेता रघुवर दास। रांची हिल्सा केस में जल्द हो सकती है 40 आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस ने कोर्ट से मांगा वारंट। अब जानते हैं देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में। हिमाचल के हरोली में बाढ़, स्कॉर्पियो पानी में बही, 8 घरों को नुकसान, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील। पंजाब में जमकर बारिश, 1 की मौत, 5 घायल, लुधियाना में रोड और फैक्ट्री की दीवार गिरी, होशियारपुर में नाले में फंसी टीचर। हरियाणा के 10 जिलों में बरसे बादल, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर हुई बारिश, 3 दिन दक्षिण पूर्व में मेहरबान रहेगा मानसून। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के वकील बोले ईडी पर लगाम जरूरी, बंसल ब्रदर्स की गिरफ्तारी पर कहा जब तक ईडी पावरफुल तब तक देश में कोई सुरक्षित नहीं। तमिलनाडु सरकार का आदेश, होटल में गेस्ट के साथ ड्राइवर्स को बेडरूम देना अनिवार्य, पार्किंग भी देनी होगी। आदिवासी पर पेशाब करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पर एनएसए, घर पर चला बुलडोजर, राहुल गांधी का ट्वीट, यही भाजपा का असली चरित्र। लखीमपुर में हाथियों ने युवकों को दौड़ाया, दुधवा नेशनल पार्क में हाथियों के झुंड के सामने सेल्फी ले रहे थे, जान बचाकर भागे। भगवान महावीर के बाद सबसे कठोर तप वाले जैन मुनिश्री, विराग मुनि ने पूरे किए 171 दिन के उपवास, डॉक्टर्स की टीम WHO को रिपोर्ट देगी। पंचायत चुनाव से 3 दिन पहले बंगाल में फिर हिंसा, साउथ 24 परगना में TMC ISF समर्थकों के बीच बमबाजी, नाबालिग युवक की मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी, 3 वर्कर्स की मौत। मणिपुर में भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की, लोगों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग में 1 की मौत, 1 जवान को लगी गोली। लालू बोले पीएम मोदी सोच तो हार का हाल हुई, तेजस्वी पर चार्जशीट के बाद गुस्से में RJD सुप्रीमो, कहा और मुकदमा करो, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे।
नागालैंड में पहाड़ से गिरे पत्थरों ने कारों को कुचला, 3 सेकंड में मलबा बनी 3 गाड़ियां, 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पंजाब में फिर अकाली भाजपा गठबंधन की तैयारी, चंडीगढ़ में एसएडी कोर कमेटी मीटिंग बुलाई गई, केंद्र में सुखबीर या हरसिमरत मंत्री बनेंगे। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में फायरिंग, वकीलों के 2 गुटों में झगड़े के बाद गोली चली, पुलिस जांच में जुटी, हथियार अंदर कैसे पहुंचा। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, मरीजों के बेड के नीचे तक पहुंचा, मुंबई में सड़क धंसने से दर्जनों गाड़ियां गड्ढे में समाई। झारखंड के और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।